शकुंतला जी, जी डॉक्टर शकुंतला जी, माफ कीजिए शकुंतला जी, क्योंकि WHO की तरफ से भी ये चेतावनी जारी की गई है, बाकायदा अभी दो दिन पहले ही गाइडलाइंस भी दी गई हैं कि बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं, कोई भी स्क्रीन देख रहे हैं, तो उनकी सिर्फ आंखें खराब नहीं हो रही हैं, अगर हम ये बोलें कि आंखें खराब हो रही है, इससे भी ज्यादा खतरनाक परिणाम है आगे। तो कैसे बचे इस स्क्रीनिंग पे जो टाइम बिता रहे हैं बच्चे, कैसे दूर करें? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, जितने भी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, सबको नमस्कार करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो ये आज का विषय है, ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग है। आने वाले टाइम में इसके बहुत दुष्परिणाम सामने आएंगे। आज जो घटना हुई है, ये अपने आप में बहुत ही, मतलब हमारे सिस्टम के ऊपर प्रहार किया है। ये देखिए आप, क्योंकि हम फिर भी नहीं चेत रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। माँ बाप सबसे पहले बच्चों पे ध्यान दें, बाकी सब बाद की चीजें हैं। पालन पोषण पे अगर हम इसको खिलौना समझ के हाथ में दे दिया, तो हम समझ नहीं कितना बड़ा हथियार है। तो इनसे बच्चों के ऊपर जो कि रेजेस का असर हो रहा है, मोबाइल रेडिएशन से जो माइंड पे है, बच्चे के बिहेवियर, मतलब जितना इसके अंदर चेंजेज आ रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको मामूली सी चीज समझ के हम लोगों ने हाथ में दे दिया ये खिलौना, पर दुष्परिणाम बहुत ही दूरगामी रहेंगे इसके।